हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कंटिन्यू कर रहे थे सीटेट मैथ की सीरीज, जो कि आपका है 21 जनवरी को एग्जाम। तो उसमें हम ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस कर चुके थे, जो अगस्त में 2023 में पेपर वन आया था उसको भी हम डिस्कस कर चुके, और नंबर सिस्टम से भी एक वीडियो लेके आए थे जिसमें 30 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज भी हम 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि नंबर सिस्टम से। ये भी क्वेश्चंस वे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक रुके रहेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये जनरली पेपर वन जो है उसमें काफी हेल्प करेंगे। पेपर टू में भी यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर वन वालों के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको सिंप्लीफाई करके रूप इसका लिखना है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है कि वैल्यू जब दशमलव में दी गई है उसके ऊपर लगा हुआ है बार, जो एक नंबर थ्री के ऊपर एक डंडा लगा हुआ है, ये क्या हम कह सकते हैं ऊपर कैप लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं बार। और इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। अगर सपोज यही नंबर हम लेते हैं, इसमें क्या आपका पास 0.153 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, इसका मतलब ये है जो थ्री नंबर है वो आगे बार बार रिपीटिंग नंबर है, ऐसे रिपीट होगा एक्चुअल में। और इसको क्या किया है, शॉर्ट करने के लिए इसके ऊपर क्या किया, जहां से जो भी नंबर रिपीट करता है वहां से क्या करते हैं हम इसको उतना रफ करके एक सिंबल लगा देते हैं ऊपर बार, जिसका यूज किया जाता है शॉर्ट करने में, शॉर्ट बनाने में किया जाता है। तो इस बार का उपयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं वो समझा। तो अगर ये डिफरेंस आता है कि हमने इस चीज को यहाँ पे समझा है, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि इस नंबर को हम डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन करने में नीचे क्या नहीं कर सकते, ऐसे 100,000, 10,000 ऐसे करके मल्टीप्लाई डिवाइड से आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास लगा हुआ है बार, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले नंबर लिखिए जो भी आपके पास नंबर है। तो आपके पास नंबर है 0.153 और ऊपर लगा है बार। आप इस बार को हमेशा याद रखिए कि बार कितनी वैल्यूज पे है, कौन सी वैल्यूज पे है। इसको सोल्व करते टाइम हम क्या करेंगे, पहले एज इट इज नंबर लिखेंगे। तो आपके पास जो भी पूरा नंबर है उसको एज इट इज आप उतार लीजिए, माइनस करेंगे उस वैल्यू को जिसके ऊपर बार नहीं है। तो ऐसे केस में हमारे पास बार नहीं है वन और फाइव के लिए, अभी तक हमने पॉइंट को कंसिडर नहीं किया और ना ही करके चलेंगे इतने केस में। देन डिवाइड किया, डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में जितने वैल्यूज के ऊपर बार है उतने पहले हम क्या लगाएंगे, नाइन। ठीक है, नाइन लगाया, कितनी वैल्यूज के ऊपर है, एक ही वैल्यू के ऊपर है तो हमने नाइन लिखा। उसके बाद कितनी वैल्यूज के ऊपर बार नहीं है, ऐसी है दो वैल्यूज, और हम हमेशा देखेंगे पॉइंट के राइट साइड। तो दो वैल्यूज है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उन प्लेसेस पे लगाएंगे हम जीरो। एक प्लेस के लिए एक, यहाँ पे दो प्लेस है ऐसे, तो दो जीरो लगा दी। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन में क्या जाएगा आपका, 138 जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 900। ठीक है, आप देख लेते हैं क्या ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, ऑप्शन में ऐसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसको हमें कट करना होगा। तो अगर हम दो से कट करेंगे तो 6 और 9 आएगा, इधर करेंगे 4, 5, 0, वापस 3 से किया तो 2, 3, और यहां पे करेंगे 1, 5 और 0। तो आपका अल्टीमेट नंबर जो बना वो बना 2, 3 डिवाइड बाई 1, 5, 0, आपका ये नंबर बना, और यही आपका क्या है आंसर। इसी को देख लेते हैं ऑप्शन में, तो आपका जो ऑप्शन बना है डी फॉर दिल्ली, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरह के दो क्वेश्चन और देखेंगे, तो बाकी भी जो डाउट है कि अगर पॉइंट के राइट साइड वैल्यू आएगी या फिर सभी पे बार लगा होगा तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है 1, 5 दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब अपने आप में क्या है, ये आपका नंबर है इस तरह 1, 5, 1, 5, 1, 5, क्या है रिपीटिंग होगा। इसी को शॉर्ट करने के लिए क्या किया हुआ, यहाँ पे बार लगाया और इतनी वैल्यू को क्या किया, हटा दिया। ठीक है, ये आगे कंटिन्यू है। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो सेम केस जो हमने अभी के लिए डिस्कस किया, सेम कितनी वैल्यूज है सबसे पहले देखेंगे और लिखेंगे। तो 15 लिखा है जो पूरा नंबर है, माइनस करेंगे कितना, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ऐसी कोई वैल्यू है नहीं है तो उसकी जगह आप जीरो लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे, जितनी वैल्यूज के ऊपर बार लगा है उसके लिए हम क्या करेंगे, 9, 9 लिखेंगे, 9 लिखा फिर दोबारा 9। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, ऐसा नहीं है तो यहाँ जीरो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट करेंगे 15 डिवाइड बाई 99, ऑप्शन देख लेते हैं एज इट इज है या फिर हमें कट करना पड़ सकता है,
कट करना भी पड़ सकता तो हम कट कर सकते थे तीन से, लेकिन हमारा क्या है ऑप्शन एज इट इज मैच कर रहा है जो कि है सेकंड ऑप्शन बी, बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यही हो जाएगा आपका आंसर इस सवाल में। और ये क्वेश्चन एज इट इज आता है जनरली, ये आपका कट करने की भी चांसेस कम देता है एग्जाम में, ये एज इट इज आएगा और आपको सोल्व करने के लिए मांग लेगा। एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें जो थोड़ा सा लेंदी बन जाता है, या फिर हम कह सकते हैं लेंदी नहीं है इवन, ये भी बड़ा सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ जाएगा। इसके दो मेथड है, इसके केस में आप पहले सबसे पहले नंबर लिखिए, आपने लिखा नंबर, बार कितने ऊपर है तीन के ऊपर। ऐसे ही हम इसको सोल्व करें, अगर पूरा नंबर एज इट इज लिखेंगे 1 2 3 4, माइनस करेंगे जितने के ऊपर बार नहीं है, इसको क्या ये डिवाइड कर देंगे कितनों से, जितनों के ऊपर बार लगा है उतने लिखेंगे 9 9। अब वैल्यू आती है हमारे पास पॉइंट के राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है, हमने कहा था पॉइंट के सिर्फ राइट साइड देखना है, तो पॉइंट के राइट साइड कितनी वैल्यू है, सिर्फ एक वैल्यू है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसके लिए एक जीरो लगाएंगे और आगे के लिए कुछ भी नहीं लगाना है। ये वैल्यू आपकी बनी, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका बनता है 1 2 2 डिवाइड बाई 9 9 0, आपका ये सिंपली आंसर बना। इसी को ढूंढते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में मैच होता है ए, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम अगर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें अवेलेबल ऑप्शन में से नहीं लगता, तो उस केस में आप क्या करेंगे उसको देखेंगे कि क्या इसको शॉर्ट करके छोटा करके हम कहीं मैच करा सकते हैं क्या, क्योंकि मेथड यही है। इस केस में दूसरा जो मेथड था, आप क्या कर सकते हैं इसमें 1 + 0.234, अगर आप इस वैल्यू को इस तरह भी लिखेंगे तो इसकी वैल्यू सेम एज इट इज आती है, ये सेम वैल्यू है, तो आपको 1 जोड़ना है और इसको सोल्व करना है। तो अगर आप दो हिस्सों में करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में ये मेथड याद ना आए कि पूरे के बाद में कैसे सोल्व करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 1 अलग निकाल के, 1 क्या करेंगे अलग निकाल लेंगे और उसके बाकी को पॉइंट को अलग से सोल्व करके यहाँ पे इसके साथ 1 के साथ जोड़ देंगे, तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। बाकी ट्राई करिए, अगर आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी ये सोल्यूशन के लिए मैं एज इट इज रखता हूँ, जिसकी आपको PDF जो है सोल्यूशन की मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे, तो वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम कहां से 1 to 50, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, हमें निकालना है प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य नंबर्स कौन से होते हैं जो या तो अपने आप से कट होते हैं या फिर किससे, एक से कट होंगे, नंबर 1 से कट होंगे मतलब उससे डिवाइड हो जाते हैं, या फिर खुद से डिवाइड होंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं नंबर 2 जो है वो खुद से डिवाइड होता है या फिर किससे डिवाइड होता है 1 से। इसी तरह नंबर 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या है नंबर, या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर एक नंबर से डिवाइड होते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जो सिर्फ दो ही वैल्यू से डिवाइड हो सकते हैं, तो एक तो किससे होते हैं, एक से, और एक होते हैं सेल्फ से, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिसके दो फैक्टर हो, फैक्टर कितने हो, टोटल 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स क्या होता है प्राइम, और जिससे कटे वो खुद से कटे या फिर 1 से। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 15। इसकी पूरी टेबल देख लेते हैं, आप ऐसे लिख के देख सकते हैं कि आपके पास क्या होगा 2 3 5 7, इस तरह आप जो भी नंबर है सभी को लिख के देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल 15 नंबर्स निकल के आएंगे। 1 क्या है, ना ही आपका प्राइम है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर आता है, तो उस केस में हम 1 को काउंट नहीं करते हैं, ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो 1 है, वो 1 ऐसा नंबर है जो किसी और से नहीं कट होता, तो इस पे प्राइम फैक्टराइजेशन की भी जो डेफिनेशन है वो लागू नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ अपने से कट होता है, इसके अलावा वो एक से भी आप कहेंगे तो खुद में कट रहा है, तो उसकी एक ही फैक्टर होता है, 2 फैक्टर नहीं होते। ये है प्राइम नंबर की जो आपके पास है लिस्ट, अगर आप ये डायरेक्टली याद करते हैं तो आपको क्वेश्चन में निकालना नहीं पड़ेगा, जिसमें आपको क्या करना होता है नंबर्स को ओपन करके देखना पड़े कि 1 से लेके 50 या 100 या 200 तक कितने हमारे प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम के साथ साथ यहाँ से आप कंपोजिट मतलब भाज्य नंबर्स कितने भी होते हैं वो भी आप निकाल सकेंगे। तो 1 से लेके 50 कितने होते हैं, 1 के 50 तक होते हैं 15, वहीं पर 50 से लेके 100 तक आपके पास कितने होंगे 10, तो कहीं ना कहीं आपके पास 1 से लेके 100 तक कितने होंगे वो होंगे 25। तो अगर आपको ये याद है तो इस तरह आपके पास डायरेक्टली आंसर देने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो कुछ वैल्यूज आप याद रखेंगे, कोशिश करिएगा 300 एटलीस्ट आप 300 तक याद रखें,
इतना तो आप याद रखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और इजिली आप एक नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 100, ऐसे कितने नंबर होंगे 1 से 100 तक के बीच में जो क्या है भाज्य है। अभी हमने क्या कहा था प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की टेबल देखी, अब पूछा गया भाज्य मतलब जिसके मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि 4 का केस ले लेते हैं तो 4 क्या है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, तो इसके क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर है मतलब टोटल 2 नंबर से ज्यादा नंबर से वो कट सकता है। तो इसी तरह 6 के भी आप देख सकते हैं, 8 के भी आप देख पाएंगे, 9 के भी देखेंगे, तो इनके क्या है मल्टीपल फैक्टर्स है। तो ये सभी कितने होंगे कहां से लेके 1 से लेके 100 तक, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपने अभी देखा 1 से 100 तक आपके पास कितने प्राइम नंबर है, आपके पास जो प्राइम नंबर है वो है आपके टोटल प्राइम कितने हैं, वो है आपके 25। ठीक है, एक जो है, एक जो नंबर है डिजिट एक जो है वो ना ही प्राइम है, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, ना ही कंपोजिट है, एक ना ही कंपोजिट बनता है ना ही प्राइम बनता है, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो ऐसे केस में आपके पास कितने हुए ऐसे जो आपको कंपोजिट नहीं मिलते 100 में से, टोटल नंबर आपके कितने हैं 1 से लेके 100 तक, वो है आपके 100। माइनस करेंगे टोटल प्राइम, तो प्राइम आपके पास 25 और एक ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट, तो इसको भी घटा देंगे, आपके पास जो टोटल बनता है वो बनेगा 74। तो आपके पास 74 ऐसे नंबर होते हैं 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक इतने जो नंबर है 74 जो नंबर है वो है भाज्य नंबर है जिसके मल्टीपल फैक्टर्स है। तो 74 क्या है वो है सी ऑप्शन और हमारा सी ऑप्शन ही हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या का उदाहरण कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में से जो उदाहरण है वो कौन सा है किसका, अपरिमेय संख्या का। तो अपरिमेय आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या वो है जिनको परिमेय रूप में, जिनको हम जो रेशो के फॉर्म में नहीं दिखा सकते, पहली चीज। दूसरा, अपरिमेय संख्या का जो एक्सपेंड होता है वो कंप्लीटली टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो टर्मिनेट नहीं होता और ना ही वो रिपीटिंग होता है। इसको हम जो अलग अलग नंबर्स है कैटेगरीज है इसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को हम देखेंगे, तो वहां से आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, तो जल्दी उसकी भी आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो काफी लोगों को पता होगा कि जो रूट में वैल्यूज लिखी होती है इस तरह, ये सारी जो वैल्यूज हैं अल्टीमेटली अपरिमेय है, तो सभी को रूट में लिखी हुई जो वैल्यूज हैं उनका तो पता है कि ये अपरिमेय है जो इरेशनल नंबर है, लेकिन कंफ्यूजन आता है सभी को पाई के साथ। अगर आपके एग्जाम में इस तरह पाई लिख के आता है जो आपका सिंबल है, ठीक है, ये आपका सिंबल हुआ, तो ये भी क्या होता है आपका इरेशनल नंबर है। तो इस केस में आपका ए और बी दोनों ही क्या है इरेशनल नंबर है, अपरिमेय है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कंफ्यूजन को लेके, क्योंकि हम पाई को काफी टाइम कैलकुलेशन के लिए 22/7 लिखते हैं, सिंपल है। इसको आप कहेंगे कि हम तो फ्रिक्शन में इसको दिखा सकते हैं, हम इसको परिमेय में दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कौन सा है परिमेय ही नंबर है, ये परिमेय है, जब हम परिमेय में दिखाते हैं तो पाई परिमेय क्यों नहीं है, ये जस्ट हम कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज लेते हैं, अदरवाइज 3.14 और ये आगे आगे नंबर कंटिन्यू होती है और ये आगे कभी भी एंड नहीं होगी। एक्चुअल में पाई की वैल्यू ये है, ये तो जस्ट हमने कैलकुलेशन के लिए राउंड ऑफ कर दी या फिर नजदीकी वैल्यू ली है जिससे हम कैलकुलेट कर सके। अगर कभी भी ऑप्शन में डायरेक्टली 22/7 लिखा है तो ये परिमेय संख्या है, या फिर ऐसे लिख के भी आ जाता है पाई इक्वल टू 22/7 तो ये परिमेय संख्या है। अगर इसकी वैल्यू 180 या 22/7 नहीं लिखा है, सिर्फ पाई लिखा है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हम एक्चुअल ही कंसिडर करेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब वो कभी भी रुकती नहीं है, कंटिन्यू रहेगी। तो ऑप्शन में है हमारा जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट के साथ जाएंगे, तो नेक्स्ट में इसका एक्सप्लेनेशन है जो आप देख सकते हैं, यही बात हमने अभी तक कही कि जो परिमेय जो पाई है वो क्या है अपने आप में मैथमेटिक का वो पोर्शन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और इसकी वैल्यू इस तरह से एक्सपेंड होती रहती है, और ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये आपकी वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं, लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 और √2, हम क्या करते हैं इनको जोड़ देते हैं, तो ये क्या है,
तो ये अपने आप में क्या है, एक परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अपरिमेय संख्या होगी और आपका आंसर भी क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये आपकी परिमेय है, ये अपरिमेय, दोनों का जोड़ जो बना हुआ है ये कहीं ना कहीं यही बन रहा है। अगर आप इसको पॉइंट में भी लेके जाएंगे तो आपका अपरिमेय ही रहेगा जो नॉन टर्मिनेटिंग केस बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ये अपरिमेय केस बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे, हाउ मेनी पिन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, कि आपके 1 से लेके 100 तक आपके कितने ट्विन प्राइम है, मतलब आपके ऐसे जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी है, कहां से 1 से लेके 100 तक। तो क्वेश्चन आता है कि आपका ट्विन प्राइम नंबर्स कौन सा होता है, तो प्राइम हमने अभी देखा कि प्राइम नंबर कौन से हैं जो अपने आपके या फिर एक के अलावा किसी और से भाज्य नहीं है, कटते नहीं है या उनका कोई और फैक्टर नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम, लेकिन जुड़वा प्राइम ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 3 और 5, आपके पास जो 3 और 5 है ये क्या है, दोनों प्राइम है, दोनों के बीच में क्या है, एक कंपोजिट है, ठीक है। कंपोजिट मतलब जो आपका 4 नंबर लगेगा बीच में, 3, 4, 5 नंबर ऐसे हैं, तो उस केस में क्या है, ये आपका भाज्य नंबर है। तो दोनों के बीच में एक तो है कंपोजिट नंबर, दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 2। इन्हीं को हम कह सकते हैं जुड़वा प्राइम, या फिर हम कह सकते हैं एक के बाद जो दूसरा अगला नंबर आएगा, 2 नंबर के बाद जो नेक्स्ट रिपीटिंग नंबर आएगा वो अगला नंबर भी क्या बने, वो भी बने प्राइम। तो ऐसे ही जोड़ों को, ये अपने आप में क्या है, पेयर है, ऐसे को ही हम क्या कहते हैं, ट्विन पेयर, ठीक है। और किसका, यह ट्विन प्राइम का पेयर। तो आपके ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो कि आपके ट्विन प्राइम है, तो आपके लिए यहाँ पे भी क्या है, ऑप्शन है, यही हमने पूरा एक्सप्लेन किया है इसके डेफिनेशन के साथ, और लेके आपका 1 से लेके 100 तक के बीच में आपके पास जो पेयर बनेंगे वो बनते हैं ये टोटल। ये टोटल आपके कितने, 8 देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिसमें शुरुआत होती है 3 और 5 की, जो हमने एग्जाम्पल से लिया, 5 और 7, जो आपका 11 और 13 है, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, और आपका 71 और 73। ये आपके सभी नंबर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में एक कंपोजिट आ रहा है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपके पास एक ही वैल्यू इस तरह रिपीट होगी, जिसमें आपके पास क्या है, दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है और उनके बीच में एक भाज्य संख्या ही आएगी। ऐसा नहीं ले सकते हम कि 5 और 11 लेंगे तो दोनों का डिफरेंस भी ज्यादा आएगा और बीच में क्या है, आपके कंपोजिट और इवन प्राइम भी आ सकते हैं, दोनों केस बनेंगे। तो ऐसे केस में हमारा ऑप्शन क्या होगा, 8 जो है आंसर सही है और ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे, फाइंड द परफेक्ट नंबर, कि हमें क्या है, पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, या फिर हम इंग्लिश में याद रखें तो परफेक्ट नंबर हमारा क्या होगा, ऐसा परफेक्ट नंबर कि अपने जो नंबर है, जिन जिन से फैक्टर्स उसके होते हैं, जो जो उसके फैक्टर हैं, अगर उन्हीं फैक्टर्स को जोड़ दिया जाए उस स्वयं नंबर को छोड़ के, उस नंबर को छोड़ के अगर उसके फैक्टर्स को जोड़ दिया जाए तो सभी फैक्टर्स का जो योग है तो वो क्या बनेगा, वो खुद नंबर बनना चाहिए। ऐसे नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, आपका परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 6 किस किस से डिवाइड हो सकता है, ये आपका 1, 2, 3 और 6 ये सभी से डिवाइड हो सकता है, ये सभी से फैक्टराइज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या कहा है कि अगर मैंने स्वयं इसी नंबर को छोड़ दिया, क्योंकि 6 से भी ये डिवाइड हो रहा है तो इसको काउंट नहीं करना और इन सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपके पास 2 और 1 3 और 3 और 3 6 ये बनता है 6, और जो कि अपने आप में इक्वल हो जाता है नंबर के। तो ऐसे नंबर्स को ही कहते हैं हम परफेक्ट नंबर, और इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर हम इसके डेफिनेशन में ये भी पढ़ते हैं कि कोई भी नंबर अपने फैक्टर्स से अगर जोड़ देते हैं तो वो हमेशा फैक्टर्स जो होते हैं वो टोटल जोड़ने के बाद सम ऑफ फैक्टर्स जो होता है वो उस नंबर का डबल होता है। क्योंकि अगर इस 6 में ये 6 जोड़ेंगे प्लस 6 करेंगे तो ये बनाएगा 12, जो कि अपने आप इस नंबर से क्या है, डबल है, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। अब जाते हैं हम ऑप्शन वाइज, तो सबसे पहले हमारे पास है 28, तो 28 से चेक करते हैं, 28 का जो केस आता है इस तरह हम चेक कर सकते हैं, तो ये बनाता है 28, 2 से भी कट हो सकता है, तो आपका 14 दूनी 28, 3 से क्या जाएगा, नहीं 4 से जाएगा, तो 7 चौक 28, बस इतने से ही ये जाने वाला है। तो 28 को छोड़ने के बाद अगर मैं सभी को जोड़ देता हूँ तो आपके पास क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, ये वैल्यूज आपकी यहाँ से मिलती है। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो आपके पास क्या बना, 2 और 1 3 4 7 7 और 7 14 और 14 और 14 आपका 28
आपके पास वैल्यू बन गई। और यही आपका क्या था, नंबर। तो नंबर आपका क्या था, 28। ये भी आपके पास जो है सम ऑफ फैक्टर्स जो बना है वो है 28, वो भी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि है करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें पूछा है कि कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है, तो इसमें लगा है कि नहीं है। दैट्स मीन एक नंबर ऐसा होगा जो परफेक्ट नंबर नहीं होगा, बाकी जो सब नंबर है वो परफेक्ट होंगे। तो हमने 28 लास्ट क्वेश्चन में देखा, 6 हमने क्या किया है एज अ एग्जाम्पल हमने समझा, तो हमें पता है दोनों परफेक्ट नंबर है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन में ऐसे बचते हैं संख्याएं जो परफेक्ट हो सकती हैं। तो दोनों के केस में अगर हम देखें, सबसे पहले छोटी को पकड़ लेते हैं, कि छोटी जो वैल्यू है 120, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक है 1 से कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो आपका बनेगा 60, 3 से करेंगे तो 40, 4 से करेंगे आपका 30। आगे भी जा सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है 6 से भी जाएगा, ये वैल्यू कंटिन्यू जाएगी, बट हमें करने की जरूरत नहीं, हमें यहीं से आंसर मिल गया है। वो आंसर कैसे मिला वो बता देते हैं। अगर आपको जैसे कहा है कि 120 को छोड़ देना है, इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना, बट बाकी वैल्यूज को तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। अगर मैं 60 प्लस 40 प्लस कितना आपका 30, मतलब आपका ये बना 70, और 70 मतलब आपका 60, ये बना 130। ये आपका तीनों को जोड़ने के बाद भी क्या बन गया है, 130, जो कि अपने आप में 120 से ज्यादा है। अभी तो मैंने 1, 2, 3, 4 और यहाँ से जो भी बनता लाइक 5 से भी कर सकते थे, 6 से भी कर सकते थे, तो इनसे डिवाइड करके इसके फैक्टर्स ही नहीं निकाले, इसका टोटल नहीं निकाला। तो ऐसे केस में ये नंबर क्या हुआ, परफेक्ट नंबर नहीं हो रहा है, ये हमें पता चल रहा है। तो 120 कौन सा होगा नंबर जो कि परफेक्ट नंबर नहीं होगा, 496 क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है, सी आंसर, जिसका आंसर है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 11वां, और ये हमने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, जिसमें लगभग 80% लोगों ने, 80% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। आप जाके देखिएगा खुद, ये आपको सी टेट अगस्त में, सी टेट जो आपका हुआ है अगस्त में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जस्ट वैल्यूज में क्या है, 5, 5, 5 करके लिखा है, इस तरह 5 में लिखा है, और कुछ इसी तरह सीरीज कंटिन्यू हुई है, और क्वेश्चन ओड पे है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे पूछा है आपके पास कि -1 + 1 - 1 + 1 - 1 कुछ इस तरह से सीरीज जा रही है, और एंथ जो टर्म है वो क्या है, इवन है, कौन सी है, सम है। आपके पास सम वैल्यूज की एक सीरीज बनी हुई है, जिसमें मतलब टोटल टर्म्स जो है इवन है। अब आपसे पूछा गया है कि इसका जो टोटल होगा वो क्या होगा। तो ऐसे केस में आपके पास बड़ा ही सिंपल बनता है कि आप इसको चेक कैसे करेंगे। आप देखिए, अगर आपके पास ये टर्म्स n को मैं मान लेता हूं कि ये 4 टर्म्स हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू बनी होगी, 1 माइनस का प्लस का 1, इसी सीरीज से लिया है, -1 + 1 कुछ ऐसे बनी होगी। आपके पास ये 4 वैल्यूज है। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने में आपको क्या मिलेगा, माइनस और प्लस यहां बनेगा 0, यहां भी माइनस और प्लस, ये भी क्या बना, 0। अगर इसी जगह पे मैंने 4 ना लेके टोटल टर्म्स, आगे इसको सीक्वेंस इंक्रीज किया होता, तो क्या इसका भी टोटल 0 नहीं बनता, बनता। तो अगर मेरी n जो टर्म्स है इवन है, और ये सीरीज कितनी भी बड़ी हो, 4 की हो, 6 की हो, 10 की हो, 50 की हो, 100 की हो, बट इवन टर्म हो, तो सभी क्या है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, हमेशा क्या बना रहे होंगे, 0, 0, 0, तो जिसका टोटल आंसर आएगा 0। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है डी, डी ऑप्शन ही करेक्ट है, और ये आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऑप्शंस दिए हैं, मतलब आपके पास सेम क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास सीरीज यही है एज इट इज, जस्ट जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका एंथ जो टर्म है वो है ओड, जो कि है विषम। विषम के केस में आपके पास क्या है, आप इसको मान लीजिए कोई भी विषम नंबर, मैंने इसको लिया 5, 5 की सीरीज बनाए अगर, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास 3 वैल्यू, 4थी वैल्यू और 5वीं वैल्यू, ठीक है, आपके पास 5 ये वैल्यूज बनती है इसी को। तो अगर हम इससे फिर से ग्रुप बनाते हैं, ये आपका क्या बनाएगा, 0। नेक्स्ट जो है आपका क्या बनाएगा, 0। ये आपके पास क्या आया, 2 बार, इसी तरह 0। लेकिन ओड टर्म्स में जो क्या होगा, लास्ट की जो टर्म होगी हमेशा वो बच जाएगी, वो क्या होगी, -1। अगर ये हमारे पास जो नेक्स्ट केस भी होता, नेक्स्ट क्या होता कि नेक्स्ट सपोज ये 7 की टर्म होती, मैं इसको 7 रखता, तो अगर आप देखेंगे 7 के लिए मुझे 2 और ऐड करना होता 2 बार, मतलब वैल्यू को सेम पैटर्न में, तो जिसका भी टोटल क्या होता, ये भी 0 ही बनाता। तो हमेशा पेयर क्या होते, कैंसिल आउट होते,
और एक फॉर्म करता जो कि ओड पद है, जो कि हमेशा आएगा माइनस का, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है माइनस से, जो वैल्यू है माइनस वन। तो टोटल जो होगा सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद भी आपका जो यहाँ से बनेगा वो बनेगा माइनस वन, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये है डी, और डी ही आपका राइट आंसर है जो कि माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका वैसे तो जो आपका नेचुरल नंबर है वहां से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, पेयर बनाना है, और उसी से ये क्या होगा सोल्व हो जाएगा। जैसे कि हम क्वेश्चन को देखें, वन माइनस का है, प्लस का टू है, माइनस का थ्री है, प्लस का फोर है, और ये नंबर ऐसे ही जा रहा है कहाँ तक, 1000 तक। ठीक है, आपके पास ये नंबर कितना है 1000। मैंने क्या किया, ग्रुप बना दिए, मतलब आपने पेयर बनाए। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, दो दो के, तो ये टोटल नंबर बनेंगे 500। क्यों, क्योंकि एक पेयर में मैंने वैल्यू ली है दो, और टोटल नंबर है 1000, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास पेयर तो निकले कितने, 500। पेयर क्यों 500 निकाले वो बताता हूँ। उससे पहले देखिए, यहाँ अगर इन दोनों पेयर को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस वन आंसर आएगा। सेम आप जब यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस वन वैल्यू निकलेगी, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो आपके पास प्लस वन। ऐसे ही आपके पास प्लस वन प्लस वन प्लस वन, इसी तरह आपके पास सभी आएंगे। इसी तरह ये आपकी क्या थी, जो आपकी इवन टर्म थी वो थी प्लस की, तो पांचवी टर्म भी क्या थी आपकी, प्लस की होगी। माइनस की होगी जो आपकी, ये 999 की होगी। यहां से भी आपके पास जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा प्लस वन। कितनी बार बनेगा वो डिपेंड करेगा पेयर पे। तो यहाँ पे पेयर हमारे कितने हैं, 500। तो आपके पास सभी पेयर में से क्या होगा, प्लस वन आ रहा होगा। कितने पेयर है टोटल, 500। तो जब आप वन को 500 बार जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वो होगी 500। और यही आपका क्या है, राइट आंसर। बिना किसी फॉर्मूले, बिना किसी मेथड, स्पेशल मेथड के आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, जो कि आंसर आपका हो गया ए, ए फॉर एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, जस्ट डिफरेंस क्या है, आपका पैटर्न क्या है। जो पहली वैल्यूज थी इसमें माइनस थी, यहां से वैल्यू प्लस की है, और आपके पास जो टोटल पेयर है वो 500 हो गए। ठीक है, तो अब आपने वैल्यू सेम लिखी, क्या लिखा है आपने, वैल्यू लिखी 3, फिर 4, फिर 5, और ऐसे आगे माइनस 500। ठीक है, आपके पास क्या है, जो फर्स्ट मतलब आपके पास जो ओड टर्म है वो है प्लस की, जो इवन टर्म है वो है माइनस की। सेम आपने यहां भी क्या किया, ग्रुपिंग। ये आपके पास कितना बनेगा, माइनस वन। यहां से आपने ग्रुपिंग किया, ये किया माइनस वन। यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म होती है माइनस सिक्स होती, ये आपके पास बना थी माइनस वन। इससे पहली जो वैल्यू होती 499, ये होती है प्लस की 1। यहाँ पे आपके पास क्या बनता, माइनस वन। लेकिन यहाँ पे टोटल पेयर कितने, यहाँ पे पेयर जो आपके पास है, जो आपके पास पेयर है, ये आपके पास कितने बने, 500 डिवाइड बाई 2, जो कि आपका 250। ठीक है, क्योंकि एक पेयर में दो वैल्यू यूज हुई है, इसलिए डिवाइड बाई 2 किया है। एक पेयर में वैल्यू क्या है, माइनस वन, नेक्स्ट में माइनस वन माइनस वन, कितनी बार होगी, टोटल पेयर कितने हैं, 250। सभी को जोड़ोगे तो आप क्या बनाओगे, 250। सिंबल क्या है, माइनस का, माइनस की वैल्यूज को जोड़ रहे हो, तो ये बना 250 माइनस का। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये आपका सी में आपका है माइनस 250, और यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अलग मेथड्स पे है, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में, क्योंकि उसके लिए हमें पहले मेथड समझना होगा। तो आज के हमने जो क्वेश्चन किए, ये है 14 क्वेश्चन, जो कि आए हुए एग्जाम्स पे है, बड़े सिंपल है। इवन कुछ जो एक क्वेश्चन की हमने बात की वो 80% लोगों ने गलत किया, जबकि उसके लिए कोई फॉर्मूला भी रिक्वायर्ड नहीं होता, और इवन सी टेट में सेम क्वेश्चन आया, जस्ट वैल्यू का डिफरेंस था। और लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन पढ़ाया था, उसके बाद भी कम्युनिटी पोस्ट में भी लोग गलत दे रहे आंसर, और एग्जाम में भी पता नहीं कितने लोगों ने गलत किया होगा। तो यहाँ तक के आज के जो सिंपल क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए, और ये एग्जाम सभी में अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियोस के साथ कुछ चैप्टर्स भी आएंगे जिसमें थ्योरी पोर्शंस होगा, क्योंकि आपका नंबर सिस्टम में कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी ऐसे ही एमसीक्यू करेंगे, और साथ में लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको भी सॉल्व करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ चैनल पे बने रहेंगे आपके एग्जाम तक, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।